नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लालू यादव के पोतों द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि क्योंकि जिन लोगों ने, जो आरोपी हैं नयन यादव और तनुज यादव, ये रिश्ते में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते लगते हैं, तो इन्हें बचाने के लिए मामूली धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है, लेकिन इन पर एनएसए के अंतर्गत केस दर्ज किया जाना चाहिए था। जी हां, अब लालू यादव के पोतों पर एनएसए लगाने की मांग शुरू हो गई है। आपको बता दें, सुशील मोदी ने कहा कि एक अधिकारी को गाड़ी से खींचकर उसके बेहोश होने तक लाठी डंडे से पीटना लॉ एंड ऑर्डर की सामान्य घटना नहीं, बल्कि पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने का मामला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर अपराध और भ्रष्टाचार दोनों से समझौता कर लिया है, इसलिए इस राज्य में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। डीएम की गाड़ी में टक्कर मारी जा रही है, दरोगा को ट्रैक्टर से कुचला जा रहा है। भ्रष्टाचार एवं अपराधियों को संरक्षण देने के विभिन्न आरोपों में घिरे लालू राबड़ी परिवार का बचाव करना छोड़कर नीतीश कुमार को अब 2005 के अच्छे प्रशासक वाले रूप में लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यपालक अधिकारी पर हमले के 3 दिन बाद भी मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वे दोनों लालू प्रसाद के रिश्तेदार हैं और जमीन कब्जा करने जैसे कई गंभीर मामलों में संलिप्त नागेंद्र राय के बेटे हैं। जी, आपको बता दें, अब जो ये पूरा मामला है, लालू यादव के पोते जो कि तनुज यादव और नयन यादव, इन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया था, अब भी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और 3 दिन हो गए इस पूरे मामले को, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस ने छापा भी मारा था, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी इस मामले में, लेकिन अब तक जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो वहीं उनके पिता नागेंद्र राय का ये कहना है साफ तौर पर कि भाजपा उन्हें फंसाने के लिए एक चाल चल रही है, भाजपा ने ये षड्यंत्र रचा है उनके बेटों को फंसाने का। और एक तरफ भाजपा से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तनुज यादव और नयन यादव पर एनएसए लगाने की मांग कर दी है, साफ कह दिया है कि ये पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने का मामला है, इन पर छोटी मोटी धाराओं में केस दर्ज किया गया है, क्योंकि ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते लगते हैं रिश्ते में, इसीलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और 3 दिन बाद भी उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और साफ तौर पर एनएसए लगाने की मांग कर दी है सुशील मोदी ने। अब इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस पूरे मामले में, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।